नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। आज आपको ढाई स्टोरी बनी हुई कोठी दिखाते हैं। तो पहले शुरू करते हैं गली से, तो कैमरा घुमा के आपको। तो ये सामने गली है, इसके अंदर सारे के सारे घर बने हुए हैं, बसे हुए हैं, बड़ी बड़ी सुंदर कोठियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ पे लास्ट में आके ये जो इस तरफ गली है वो बंद है, और ये गली बंद है, और घर के आगे जो पार्किंग रहेगी ये आपकी पर्सनल पार्किंग रहेगी। तो 30 फुट की गली है और फ्रंट आप देखें बहुत सुंदर है, और ये एलिवेशन भी बहुत सुंदर है। जैसे ही घर के अंदर एंटर करेंगे ये यहाँ पे वेड़ा है, और साथ में बाहर वॉशिंग एरिया भी दिया हुआ है, टाइल लगाई हुई है, स्प्लिट एसी की प्रोविज़न दी हुई है, बहुत सुंदर लग रहा है। और बाहर सीढ़ियों के नीचे को भी स्टोर किया गया है, यहाँ पे स्टोरेज के लिए जगह बना दी गई है। सीढ़ियाँ बाहर से हैं, ग्रेनाइट है, स्टील की रेलिंग है, और ऊपर छत तक ये सीढ़ियाँ जा रही हैं। अब ग्राउंड फ्लोर पे अंदर इंटर कर रहे हैं हम, और एंट्री के ऊपर ही यहाँ जाली का दरवाज़ा भी है और नॉर्मल दरवाज़ा भी है, दो डबल दरवाज़ा है यहाँ पे। और सामने यहाँ पे LED पैनल लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। तो ये डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी की हुई है, और इसका ऊपर देखें कि डाउन सीलिंग में डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है, फैन लगा हुआ है, झूमर बहुत सुंदर लगा हुआ है, और पूरी की पूरी वॉल के ऊपर टेक्सचर पेंट किया गया है। वॉल हैंगिंग यहाँ पे शेडेड लैम्प्स भी लगाए हुए हैं, और बाहर विंडो जो बाहर से व्यू आ रहा है इसका वो भी बहुत सुंदर है, रोशनी भी पूरी आ रही है, डाउन सीलिंग भी पूरी है। और किचन के जो ऊपर बीच में पार्टीशन की है वहाँ पे भी स्पेस दी गई है बॉक्सेस बना के, तो यहाँ पे भी डिस्प्ले हो सकता है बहुत कुछ, और इसको स्टोरेज के तौर पे भी यूज़ कर रहे हैं। किचन भी बहुत खुली है और मॉडलर किचन है, कबर्ड बने हुए हैं, चिमनी की प्रोविज़न है, RO की प्रोविज़न है, ब्लाइंड्स लगी हुई हैं, एग्जॉस्ट फैन है, डाउन सीलिंग है, हर चीज़ है यहाँ पे। और गैस की पाइपलाइन की भी प्रोविज़न दी गई है। और अब चलते हैं दो रूम्स जो ग्राउंड में बने हुए हैं। पहले फर्स्ट कमरे के अंदर लैंप्स हैं, डाउन सीलिंग बहुत ही सुंदर शेडेड, और ब्लू कलर की LED बीच में लगाई हुई है, बहुत सुंदर लग रही है। तो यहाँ पे LED पैनल की जगह पे ये POP के साथ डिज़ाइनिंग की है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और स्लाइडिंग कवर्ड है यहाँ पे, लेकिन ये पूरी छत तक नहीं कवर की है, साथ में इसका ड्रेसिंग है। अब पीछे विंडो है, वॉशिंग एरिया को यहाँ से देख सकते हैं आप, और साथ में अटैच वॉशरूम है। टाइल्स छत तक का ट्रेंड है, यहाँ पे भी लगी हुई हैं, फिटिंग बहुत अच्छी हैं, और हर चीज़ रेडी टू मूव है। अब चलते हैं दूसरे कमरे के अंदर। तो दूसरे कमरे में जो किचन के बिल्कुल साथ में है, इसके अंदर भी टेक्सचर पेंट। तो सेकंड रूम में अगर हम जाएंगे तो टेक्सचर पेंट और LED पैनल की जगह पे सेम POP की डिज़ाइनिंग, और डाउन सीलिंग की डिज़ाइनिंग, और वॉल हैंगिंग लैम्प्स, और आपकी कबर्ड की भी बहुत सुंदर डिज़ाइनिंग की गई है, और ड्रेसिंग भी यहाँ पे पूरा बना दिया गया है। अब अटैच वॉशरूम, अंदर पूरी डिज़ाइनिंग हो रखी है टाइलों की, और फिटिंग पूरी रेडी है, और पिछला दरवाज़ा भी जाली का दरवाज़ा है, और पीछे वॉशिंग एरिया में भी टाइलें लगा दी गई हैं। तो ये ग्राउंड फ्लोर हमने देखा, आइए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे देखते हैं। सीढ़ियों में ग्रेनाइट लगा हुआ है, स्टील की रेलिंग है, और बालकनी में भी जाली लगा दी गई है और ग्रिल लगा दी गई है, बहुत सुंदर व्यू है। और बाहर टाइल लगा दी गई हैं सारी की सारी, और POP से डिज़ाइनिंग भी की गई है। फर्स्ट फ्लोर के अंदर जो छत पे जाने के लिए भी यहाँ पे प्रोविज़न पक्की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, और जैसे हम फर्स्ट फ्लोर पे एंटर करेंगे तो अंदर जैसे झूमर नीचे लगा था वैसे ही LED पैनल भी सेम, वॉल भी सेम, वॉल लैंप भी सेम, और विंडो, और छत पे दो पंखे हैं, और साथ में झूमर लगा हुआ है, और ओपन यहाँ पे किचन है। जैसे किचन नीचे थी सिमिलर किचन यहाँ पे बनाई गई है, लेकिन कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया है किचन के अंदर। तो ये LED पैनल्स, हर चीज़ उतनी ही सुंदर बनाई गई है। तो
छत पे बेड़ा भी है, तो बाहर चल के देखते हैं कि सामने वॉशरूम बना हुआ है और दोनों छतें आपस में मिली हुई हैं, नीचे टाइल लगी हुई है और इस तरफ भी वॉशिंग के तौर पे जगह दी गई है। अब चलते हैं ऊपर ममटी पे। तो सेकंड फ्लोर पे चढ़ने के लिए पक्की सीढ़ियां हैं और ऊपर छत भी जो है वो भी पक्की छत है, लेंटर डला हुआ है और सामने किचन बनाई हुई है यहाँ पे, और इस किचन में ओपन किचन दी गई है, अटैच वॉशरूम और एक साथ में छोटा सा रूम बना दिया गया है ताकि यहाँ पे एक स्टूडेंट या दो स्टूडेंट रुक सकते हैं, और बाहर छत भी है, वेड़ा भी है, छत पे ओपन वेड़ा है यहाँ पे, और एक रूम है, अटैच वॉशरूम है और ओपन किचन है। सामने कोठियाँ बनी हुई हैं, पीछे फ्लैट बने हुए हैं, इस तरफ कोठियाँ बनी हुई हैं और उस तरफ भी फ्लैट बने हुए हैं, और ग्रीनरी पीछे पेड़ पौधे भी आपको दिख रहे होंगे। तो लोकेशन सेक्टर 127 में है और 126 127 के दोनों के कॉर्नर के ऊपर आती है, पीछे 126 इधर 127, और इसके पीछे एयरपोर्ट रोड चल रही है, TDIS के पीछे है। तो लोकेशन काफ़ी अच्छी है, ईस्ट फेसिंग है और गली बंद है, और दो गाड़ियों की पार्किंग घर के बाहर आपको मिलेगी, क्योंकि गली लास्ट में बंद है और लास्ट का मकान है, और गली भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 7-8 खड़ी हैं गली के अंदर भी, और गेटेड सोसाइटी है। तो ये सब कुछ जो है, प्लस ग्राउंड पे दो बेडरूम है, फर्स्ट फ्लोर पे वन बेडरूम हॉल किचन है और सेकंड फ्लोर पे फिर वन बेडरूम है। तो ये सब कुछ जो है ये सिर्फ 85 लाख में मिल रहा है, और इसी के ही पीछे एक कोठी हमने पहले देखी थी 117 गज की, 4 बेडरूम की, उसका 99 लाख रुपीस मांग रहे थे, तो ये 85 में, तो उसके मुकाबले ये थोड़ा सा लोकेशन भी बेटर है और ये ज़्यादा भरा हुआ इलाका है, और इस वजह से यहाँ पे जो प्राइस है उसके मुकाबले ज़्यादा ठीक लग रहा है। बाकी हर बंदे का अपना टेस्ट होता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को वही चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो चलिए वो पता नहीं किसको क्या अच्छा लगे, लेकिन लास्ट में एक शेर आपको सुनाते हैं। तो एक शेर है पंजाबी दा कि रंगां दी मजबूरी रह गई, रंगां दी मजबूरी रह गई, तां ही तस्वीर अधूरी रह गई। शायर कह रहा है कि मेरे पास रंग नहीं थे, ये मजबूरी थी, इसलिए मेरी तस्वीर अधूरी रह गई है। तो रंगां दी मजबूरी रह गई तां तस्वीर अधूरी रह गई, उंज ते गल्लां बड़ियां होईयां, उंज ते गल्लां बड़ियां होईयां, फिर भी गल जरूरी रह गई। शायर कह रहा है कि वैसे तो बहुत बातें की, लेकिन जो जरूरी बात थी वो मिस हो गई। उंज ते गल्लां बड़ियां होईयां, फिर भी गल जरूरी रह गई, ते हत्थां दे विच पै गए छाले, हत्थां दे विच पै गए छाले, पर मेरी मजदूरी रह गई। तो कहीं ये ना हो कि कोई मजदूर ये कहे कि जी काम करते मेरे हाथ में छाले पड़ गए और मेरी मजदूरी भी नहीं दी गई। तो मजदूर का खास ध्यान रखें, क्योंकि वो बेचारे कोई छुट्टी नहीं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, तो ये घर बनते हैं। अब इन घरों को बनाने वाले मजदूरों की मजदूरी मिलनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है और ये होना भी चाहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।